संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पल के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आज हम व्रत के लिए बनाएंगे। आप अगर ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा एप्पल ले सकते हैं। तो हमने एक एप्पल ले लिया है धो करके, और थोड़ी सी शुगर, घी, मावा, काजू, बादाम और ये पिस्ता। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। एप्पल को ले लेंगे और इसका हम छिलका उतार लेंगे। ये बड़े वाले इससे कर रहे हैं तो इसको हम ग्रेट कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे घी, जो हमने एक चम्मच घी लिया है डाल देंगे पूरा इसमें। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे काजू और थोड़ा सा इसे भून लेंगे। जब काजू पक जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसको इतना पकाया है। और डाल देंगे बादाम, इसे भी थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए जब बादाम भी पक जाए तो इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। और गैस को मध्य ही रखा है, गैस को तेज नहीं करा है, गैस मध्य ही है। अब इसमें डाल देंगे एप्पल और इसको अच्छे से भून लेंगे। और अच्छे से भून लेंगे। आप किसी चीज का भी हलवा बनाए तो घी थोड़ा ज्यादा ही लगता है, तभी हलवे का टेस्ट अच्छा आता है, चाहे वो दूधी का हो, आटे का हो या जिसका भी हो। एप्पल हमारा भून चुका है। अब डाल देंगे मावा, घर में बनाया था मावा, इसे डाल देंगे और इसे भी इस तरीके से अच्छे से चला देंगे। अब डाल देंगे शुगर, शुगर बहुत कम ली है क्योंकि थोड़ा सा ही है, और ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसे ढकना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसी तरीके से चलाना है, नहीं तो फिर मावा जो है तो वो लग जाएगा नीचे, जल जाएगा तो जला जला सा टेस्ट आएगा अगर इसे छोड़ देंगे तो। इसलिए इसी तरीके से चलाते रहना है। डाल देंगे बादाम और यहीं पर डाल देंगे काजू और ये थोड़े से पिस्ते। आप अपने मन चाहे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी व्रत हो, उपवास हो, आप कभी भी इसे बना कर भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा हलवा बन करके तैयार है, हमने इसे सर्व कर दिया है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।